सुप्रभात, मेरा नाम अर्शिया मुबीन है, मैं छठवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ। माननीय प्रधानाचार्य जी, सारे अध्यापक गण और मेरे प्यारे दोस्तों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद कई बार संशोधन करने के पश्चात भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, जो 3 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इस बार हम 64वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष भी व्याप्त होता गया। असंतोष का कारण भ्रष्ट शासन और प्रशासन तथा राजनीति का अपराधी कारण है। लोकतंत्र को परिपक्व होने दे, हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व है। हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमें लोकतंत्र की व्यवस्था में ही व्यक्तित्व खुलकर जी सकता है, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जो लोग यह सोचते हैं कि इस देश में तानाशाही होना या कट्टर धार्मिक नियम होने चाहिए, वे नहीं जानते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ। वहाँ की जनता अब खुलकर जीने के लिए तरस रही है। ये सिर्फ नाम मात्र के देश हैं। लोकतंत्र बनेगा गणतंत्र। हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है। मीडिया जागृत हो रही है, जनता भी जाग रही है। युवा सोच का विकास हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी संबंधी लोगों की फौज बढ़ रही है। इस सब के चलते अब देश का राजनीतिक भी सतर्क हो गया है। ज़्यादा समय तक शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार अपराध हो अयोग्यता नहीं चल पाएगी, तो हमारा भविष्य का गणतंत्र पर आधारित होगा। इसलिए कहो, गणतंत्र की जय हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।